हेलो गाइज, आई एम राजेश शर्मा, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई क्लास। आज हम पढ़ेंगे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। हमारा जो करंट टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन का मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को बदलना, यानी जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। और पिछले वीडियोस में हमने इसके बारे में चर्चा की है कि किस तरह हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और क्या क्या चेंजेस हम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी है। एक बार फिर आप थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो मुख्य रूप से हम 3 टाइप्स के चेंज करते हैं। पहला टेंस से संबंधित चेंज, और ये तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यदि सेड या सेड टू हो तो टेंस चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में। और दूसरा चेंज होता है प्रोनाउन का चेंज, और प्रोनाउन का चेंज किस तरीके से होता है जो आपको मालूम है, इस सूत्र के आधार पर हम उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे 123:7, एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डेंस, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एन का मतलब नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उनका हम उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। तो आज हम देखें, इसके अलावा थर्ड तरह के जो चेंज होते हैं वो होते हैं एडवर्बियल चेंज, यानी जो एडवर्ब्स आते हैं उनको भी हम चेंज करते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को ले जाते हैं तो सभी तरह के जो कॉमाज होते हैं वो हटा दिए जाते हैं और सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाता है, एक सिंगल यूनिट में हमारे सामने आता है। तो आज हम देख रहे हैं लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। लेट्स बिगिन, वी ऑब्जर्व सम सेंटेंसेज, वी टेक सम एग्जाम्पल्स। नंबर वन, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, लेट अस प्ले हॉकी। जैसे ये कोई सेंटेंस है, ही सेड टू मी लेट अस प्ले हॉकी। और देखिए, आई सेड टू मोहन, लेट अस गो टू मार्केट। जैसे ये कोई सेंटेंस है। और देखिए, ही सेड टू सीता, ही सेड टू सीता, लेट अस प्ले चेस। जैसे ये कोई सेंटेंस है, ही सेड टू सीता लेट अस प्ले चेस। और देखिए, द बेगर सेट, लेट मी स्टे हियर। जैसे ये कोई सेंटेंस है। अब ये कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी लेट अस प्ले हॉकी। तो देखिए,
ऑब्जर्व द चेंज. तो ही सजेस्टेड टू मी, ही सजेस्टेड टू मी, यहाँ पर जो सेड टू था वो सजेस्टेड टू में चेंज हो गया है. ही सजेस्टेड टू मी, और दोनों जो सेंटेंस है उनके बीच में ये जो कॉमा है वो सब हट गए हैं, हटा देंगे इनको हम और कनेक्टिव लगा देंगे दैट. तो ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड, यानी जो लेटर्स था वो वी शुड में यहाँ पर चेंज हो गया है, वी शुड. और आगे अभी सेंटेंस को जो बचा हुआ रेस्ट जो पार्ट है इसका वो हम लिखेंगे प्ले हॉकी और फुल स्टॉप लगा देंगे. ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड प्ले हॉकी. सेकंड सेंटेंस देखिए, आई सेड टू मोहन लेट अस गो टू मार्केट. तो इसको भी हम चेंज करते हैं. तो आई सजेस्टेड टू मोहन, और दोनों सेंटेंसेस के मध्य में हम दैट लगा करके इसको सिंगल यूनिट बना देंगे. आई सजेस्टेड टू मोहन दैट, और ये जो लेटर्स है इसको हम चेंज कर देंगे वी शुड में, वी शुड. आगे सेंटेंस जो है उसको हम आगे लिखेंगे गो टू मार्केट और फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू सीता लेट अस प्ले चेस. तो ही सजेस्टेड टू सीता, यहाँ पर भी हमने इस सेड टू को सजेस्टेड टू में बदल दिया है. दोनों सेंटेंसों के बीच में हम दैट लगाएंगे कनेक्टिव, और यहाँ पर जो लेट अस है इसको हम कर देंगे दे शुड, और ये बचा हुआ सेंटेंस आगे लिख देंगे प्ले चेस और फुल स्टॉप लगा देंगे. यहाँ पर हमने लेट अस को दे शुड में चेंज किया है. मार्क दिस पॉइंट, यहाँ पर हमने लेट अस को वी शुड में चेंज किया है. कीप इट इन योर माइंड, यहाँ पर भी हमने लेट अस को वी शुड में चेंज किया है. आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर. तो द बेगर सेड, यहाँ पर ये जो सेड था वो सेड ही रहा है, और दोनों सेंटेंसों के मध्य में अब हम टू लगा रहे हैं. टू लेट, अब ये यहाँ पर प्रोनाउन है मी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट जो बेगर है उसके अनुसार हम चेंज करेंगे. बेगर थर्ड पर्सन है यानी ही है, तो ये मी जो है आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हम ही की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखेंगे. ही हिज हिम द बेगर सेड टू सेड टू लेट हिम स्टे. और यहाँ पर जो हियर था उसको हमने, ये जो एडवर्ब है इसको हमने देयर कर दिया देयर. तो द बेगर सेड टू लेट हिम स्टे देयर, यहाँ पर ये हियर का देयर हो गया है और मी का हिम हो गया है, ये प्रोनाउन चेंज हो गया है, ये एडवर्ब चेंज यहाँ पर कर दिया गया है. अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ चेंज हुए हैं और कैसे हुए हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं. यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेड टू सजेस्टेड टू में चेंज हुआ है, ये देखिए सजेस्टेड टू, लेकिन जब अकेला सेड आया तो वो सेड ही रहा. तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि यदि सेड टू है तो उसको हम सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं. जब भी लेट वाले सेंटेंस आएंगे तो हम सेड टू को सजेस्टेड में बदल देंगे. पहली चीज़ तो ये हमारे सामने आई. दूसरी चीज़ हमने ये देखी
कि अकेला जब सैड आया तो हमने उसको सैड ही रहने दिया, और हमने ये देखा कि कनेक्टिव जो है वो हमने दैट लगाया है, दैट तो कनेक्टिव जो है दैट लगेगा लेट वाले सेंटेंसों में, कनेक्टिव कनेक्टिव दैट। इसके अलावा आपने एक चीज़ यहाँ पर और देखिए कि कुछ सेंटेंसेस के अंदर तो लेट अस बी शुड में चेंज हुआ है, जैसे ये देखिए बी शुड, और कुछ सेंटेंसेस के अंदर लेट अस हमने दे शुड के अंदर चेंज किया है, ये कैसे हुआ है इसको आप समझिए। तो यहाँ पर हम गौर करते हैं कि ये जो पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी, इसका मतलब इस ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें कहीं ना कहीं कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है, जैसे ये मी आ रहा है, ये दूसरा है आई सेड टू मोहन, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है। ये थर्ड वाला देखिए ही सेड टू सीता, इसके अंदर ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों ही फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन नहीं है, न तो ये सीता फर्स्ट पर्सन में आता है, ये भी ये भी थर्ड पर्सन के अंदर आता है और ही भी थर्ड पर्सन के अंदर आता है, सीता मतलब सी। तो कहने का मतलब जब किसी सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में यदि कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब आर वी, शॉर्ट में लिख देते हैं हम आर वी में आई या मी आ रहा हो, मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हों, आर वी में आई मी हो तो लेट अस को हम चेंज कर देते हैं वी शुड दैट थिंग शुड बी नोटेड। और जब भी आर वी में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन नहीं हो तो उस परिस्थिति में उस पोजिशन में हम लेट अस को चेंज करेंगे दे शुड में। और जिस सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में अकेला लेट ही आ रहा हो, लेट अस नहीं आ रहा हो, तो वहां पर कनेक्टिव टू लगाया जाएगा, जैसे इसमें कनेक्टिव टू लग रहा है, यहाँ पर देट नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई बी शुड या दे शुड भी काम में नहीं लिया गया है। तो आर एस में अकेला लेट हो तो कनेक्टिव टू लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, और मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपके मित्रों को मिले ऐसा कुछ करें। थैंक यू वेरी मच।